इस काम पर इल्जाम लगाया है क्योंकि हम इसे बहू नहीं मान रहे। अब समझ में आई बात? संजू तो क्या आपने मुझे बहू मान लिया? अरे बेटा, हम प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तेरी शादी यूं करवा देंगे, यूं। नहीं मम्मी, अब तो यारो संजू के साथ ही घर में गृह प्रवेश करेगा। जो भी हो, बिना जी ये शादी नहीं हो सकती। देखिए, संजू को अभी तक नहीं मालूम है कि यारो एक रोबो है। अगर उसको मालूम पड़ेगा तो सोचो क्या होगा। शायद हमें पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़े बीना जी, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। यारो, क्या हुआ अचानक डांस? मम्मी, पापा ने कह दिया कि हम दोनों की शादी होगी, वो भी चट मंगनी और फट ब्याह। मान गए वो लोग? वो तो मानना ही था क्योंकि मैंने पासा ही ऐसा फेंका था। पासा फेंक दिया? अब शादी के बाद लूडो और सांप सीढ़ी कैसे खेलेंगे? अरे कितने भोले हो मेरे भोले भंडारी। यारो, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, शादी के बाद मुझे तंग मत करना और हमेशा मुझे सर पे बिठा के रखना। सिर पे बैठाने के लिए शादी का क्या इंतजार करना, यारो तो तुम्हें अभी यहाँ पे बैठा लेगा। अरे यार क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे यारो, नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो यारो, छोड़ो ना, छोड़ो एक दूसरे को यार, छोड़ो। वाओ, व्हाट अ रोमांस, क्या बात है यारो, पर तू ऐसे चिल्ला क्यों रही थी जैसे रंजीत के चंगुल में फंसी है? अरे यार, रोमांस नहीं कर रहा था, वो तो उसने आज तक किया भी नहीं, वो तो यार शादी की बात करेगा। तो अब क्या कर रहा था? अभी संजू ने ही कहा था कि मुझे शादी के बाद अपने सिर पे बिठा के रखना, तो मैंने कहा उसके लिए शादी का क्या इंतजार करना, अभी तुम्हें अपने यहाँ बिठा लेता हूँ। अरे यारो, सर पे बैठाना मुहावरा होता है, मतलब है कि उसे बहुत प्यार करना। प्यार नहीं, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। संजू सॉरी, यारों को इस मुहावरे का मतलब पता ही नहीं था। इतने भोले भी मत बनो, और मजाक की भी कोई लिमिट होती है। मेरे होने वाले हस्बैंड नहीं होते ना तो बैंड बजा देती तुम्हारा। हटो अब। बैंड है क्या इसके पास? ये भी ना एक मुहावरा होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल बैंड तो बजने ही वाली है, एक बार इसकी शादी तो हो जाए। हाँ, पापा मम्मी ने कह दिया है कि चट मंगनी और फट ब्याह करो। वाह, तैयारी शुरू करो। अरे यारो, हम ऐसी तैयारी करेंगे कि पूरी सोसाइटी देखती रह जाएगी। फिलहाल तू हमारे साथ तो चल, तुझे दिखाते हैं तुझे तैयार करने की क्या तैयारी की हमने। यारो को शर्म आ रही है। अरे शर्मा मत, पा 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 पा, घोड़ी पे बैठूंगा। पा पा पा। अरे वाह बीना जी, वाह क्या बात है, आप अपने बेटे की शादी के लिए इतनी उतावली हो रही हैं कि सारी की सारी ज्वेलरी निकाल कर बैठ गई अभी से है? चुप करिए आप, जले पे नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जब वो नकचड़ी अड़ियल लालची लड़की मेरे घर में आएगी ना, तो सबसे पहले उसकी नजर मेरी ज्वेलरी पे ही जाएगी, इसलिए मैं अपनी सारी ज्वेलरी बैंक के लॉकर में रखने जा रही हूँ। आई लव माय ज्वेलरी। अरे बीना जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? वो संजू इस घर में कभी बहू बनकर आएगी ही नहीं। क्योंकि मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। सच? यस। क्या प्लान है? अग्रवाल साहब, ये ट्रूली अ जीनियस। आई नो बीना जी, आई एम अ जीनियस। पापा मम्मी, अरे भाई तुम हो कौन, तुम अंदर कैसे चले आए? अरे यारो हूँ। अरे यारो कमाल, मैंने पहचाना ही नहीं तुम्हें।
पापा मम्मी में कैसा लग रहा हूँ, सच सच बताना। बेटा लग तो बड़े अच्छे रहे हो, लेकिन लग रहा है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में दूल्हा बन के जाने की प्लानिंग है तुम्हारी। नहीं पापा, आपने ही तो कहा था कि चट मंगनी और पट ब्याह होगा। बेटा चट मंगनी पट ब्याह तो एक मुहावरा है, लेकिन इन चीजों में टाइम लगता है बेटा। सब बातें सोचनी पड़ती हैं, डिस्कशन करने पड़ते हैं, और अभी काफी वक्त लगेगा तुम्हारी शादी तोड़ने में, मतलब तुम्हारी शादी को जोड़ने में बेटा वक्त लगेगा। यारो एक काम करना, तू जा के अपनी ड्रेस चेंज करके आ, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। गो वेयर समथिंग स्मार्ट, फिर हम गोगा जी के घर जाएंगे और बढ़ा बढ़ा के तेरी शादी की बात को आगे बढ़ाएंगे। पापा मम्मी आप दोनों कितने अच्छे हैं, थैंक यू। बेटा पापा भी यहाँ खड़े हैं। समझ गई आप? है, कितने बंदे आ रहे हैं? समदी, समंदन और यारो, तीन लोगों के लिए छह काफी है। लेकिन देखने में बहुत कम कम लग रहा है। एक मिनट, भरा भरा लगना चाहिए। अब ठीक है, लेकिन ये लड़कियां कहां रह गई? शादी तो संजू की है, पर ये शुश भंगार पे चांदी का वर्क क्यों लगा रही है? क्या? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था शादी तो संजू की है, तुम मेकअप पे खाम का खर्चा क्यों कर रही हो? ठीक है, मेरी छोटी बहन की शादी की डिस्कशन के लिए लोग आ रहे, लेकिन एजी भी तो आ रहे। ऐसे ब्रांडेड और हैंडसम इंसान के लिए क्या मैं खूबसूरत नहीं लग सकती? लगो लगो लगो, लगता आ गए। हाँ, आ गए। चल चल चल। वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्ते नमस्ते समंदन जी, नमस्ते 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 नमस्ते। अरे नमस्ते, अब पंडित जी को लाने की क्या जरूरत थी? खाम का चाय बिस्कुट खाएंगे, मुफ्त में खर्चा बढ़ाएंगे। गोगा जी आपका सब पता है हमें, इसलिए हम पंडित जी के लिए बिस्किट अपने साथ घर से ही लेकर आए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो बल्कि पंडित जी को इसलिए लाए हैं ताकि पंडित जी आज ही लड़का लड़की की कुंडली देखकर कोई शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, है ना? और क्या। ओफो अंकल, अभी भी आपको कुंडली मैच करनी है? पापा मम्मी, अगर संजू कह रही है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बेटा, जरूरत है, है जरूरत। पहले अंदर तो चले ना हम लोग। आओ यो, सोफे पे बैठ के बातें करते हैं। आओ आओ आओ। अरे संजू, वो देख वो पंडित कैसा नॉन ब्रांडेड टाइप का लग रहा है। मुझे तो लगता है जानबूझ के तेरी ये होने वाली मदर इन लॉ ना ऐसे नॉन ब्रांडेड पंडित को लेकर आए, क्यों ना भाई, ताकि तेरी और यारों की कुंडली में कुछ ना कुछ मिस्टेक आए और ये शादी ना हो पाए। कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, बादाम भी वैसे ही पड़े हैं, काजू भी वैसे पड़े हैं। क्या है ना, इंसान खाने पीने का भूखा होता है, इज्जत मान तो अपने घर में भी बहुत होती है, है? चीप पर्सन। हाँ मैं चीप हूं। पंडित जी आ लाओ जी, कुंडली देखो। ना जी, थोड़ी देर में गेम शुरू होने वाला है। पंडित जी बोल देंगे गुड़ली आपस में मिलती नहीं है, सारा मामला खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। हाँ पंडित जी कैसे कहते हैं, हम मजबूरी में कह देंगे कि हम तो चाहते हैं लेकिन शादी हो गए, हो ही नहीं सकती। क्यों पंडित जी? हाँ? कुंडली मिल रही है ना? अब मिल रही है। बताइए ना पंडित जी, मिल मिल के कुंडलियां मिली?
एक दो कुछ कुछ गुण तो मिल रहे होंगे ना? नहीं नहीं, अरे एक हाथ गुण क्या, सारे के सारे गुण मिल। ऐसा लगता है भगवान ने स्वयं इन दोनों की कुंडली अपने हाथों से स्वर्ग में बैठकर लिखी है और नीचे भेज दिया इन दोनों को। अरे ऐसे 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 लोगों की कुंडली में तो हर मुहूर्त तो मुहूर्त होता है। जब चाहे शादी करवा दीजिए, आज कल परसों चाहे जब शादी करा दीजिए, सारे मुहूर्त शुभ है। कुंडली कुंडली कुंडली, आज देखता हूँ बाकी सबकी कुंडली कैसी होती है, फिर अपनी कुंडली के बारे में सोचूंगा। सर्च, कार की कुंडली, नॉट फाउंड। सर्च, मिक्सर की कुंडली, नॉट फाउंड। जब किसी मशीन की कुंडली होती ही नहीं है तो फिर यारों की कुंडली कहां से होगी? जिसकी कुंडली नहीं होती उसकी भी कुंडली लोग क्यों मांगते हैं? अब नहीं है कुंडली तो नहीं है। क्या हुआ, मेरा हीरो इतना अपसेट क्यों है? क्योंकि यारो खुद से अपसेट है। किसी किसी की कितनी अच्छी किस्मत होती है और किसी का कितना खराब नसीब होता है, लेकिन यारो की तो किस्मत ही नहीं है। यारो, परसों तो तुमने कहा था कि मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ। लेकिन लोग किस्मत होने का देते हैं? किस्मत नाम की बहुत बड़ी दीवार बीच में खड़ी कर देते हैं, तो यारो क्या करे? तो गिरा देते ना उस दीवार को। एक पंच मैं मारूंगी, एक पंच तुम मारना, मंजूर है? हाँ, एक पंच यारो डिशुम, एक पंच संजू डिशुम, एक पंच यारो। अच्छा आइडिया है, तुम इतने अच्छे अच्छे आइडिया देती हो कि यारो को लगता है यारो को बनाया गया है सिर्फ तुम्हारे लिए। दुनिया में सिर्फ संजू के लिए आया हूँ। संजू तुम हो ही इतनी अच्छी। जीजा जी को मैंने हमेशा गलत समझा, ये तो दीदी के प्रति मुझसे भी ज्यादा वफादार निकले। बस कीजिए जीजा जी, वरना मैं रो पड़ूंगा। लेकिन संजू, पापा मम्मी कुंडली कुंडली की बात करते हैं तो यारो अपसेट हो जाता है। क्या हुआ यारो? यारो तुम मेरे हीरो हो, हम लड़ेंगे। लेकिन किससे लड़ेंगे? मम्मी पापा से लड़ेंगे तो उनको तकलीफ होगी, और यारो नहीं चाहता कि किसी को भी यारो की वजह से दिक्कत हो। यारो, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, उनकी सोच से है। हमें उनकी सोच को बदलना है जो सिर्फ कुंडली पे टिकी है, और हमारे तो दिल मिल चुके हैं ना यारो। दिल भी मिल गए हैं और हम दोनों भी मिल जाएंगे जिस दिन हमारी शादी हो जाएगी, और उसके बाद हम दोनों दोनों नहीं सॉरी तीनों कितने प्यार से रहेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। हे भगवान, हे भगवान, अब हो के क्या होगा? अग्रवाल साहब, स्टॉप रीडिंग द न्यूज़पेपर। पढ़ पढ़ के पेपर तब पढ़ना जब इसमें वो खबर छपेगी कि एक पंडित ने एक रोबो की कुंडली बनाई है। अरे बीना जी, ऐसी खबर तो पेपर में छप ही नहीं सकती, क्योंकि हम पंडित जी को ये नहीं बताने वाले हैं कि हमारा बेटा रोबो है। हम तो बस उनको डिटेल दे देंगे और क्या। अरे हम डिटेल दे देंगे, वो यारो की कुंडली बनाएंगे, अगर यारो की कुंडली उस लड़की की कुंडली से मैच हो गई तो। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए, जो डिटेल मैं देने वाला हूँ वो किंग ऑफ पलामू की है। किंग ऑफ पलामू एक ऐसा बादशाह था जो एक ही दिन में राजभवन से फुटपाथ पे आ गया था। अरे उसकी डिटेल देंगे तो कुंडली मैच कैसे होगी? अग्रवाल साहब, ये डिटेल देने से कुछ नहीं होगा,
हमें बना बना के ऐसी कुंडली बनानी पड़ेगी यारों की, जिसमें ऐसा कुछ हो कि जिस भी लड़की की यारों से शादी होगी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका हो के बहुत नुकसान होगा। जैसे कि जिस लड़की की यारों से शादी होगी उस लड़की को शादी के 4 महीने में 4 सौतनों को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि जिस रात उसकी शादी होगी उस रात एक बड़ा सा पेड़ उस पे गिर जाएगा, उसकी स्किन खराब हो जाएगी। अरे बीना जी मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। ये जो डिटेल्स है ना, इनके साथ ऐसी कुंडली बनेगी कि गोगा जो है ना गोगा, वो अपनी बेटी की शादी किसी गधे से करवा देगा लेकिन यारों से नहीं करवाएगा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.